दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया को एक खतरनाक टीम मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने मचाया कहर, वेस्टइंडीज टीम को 222 रनों पर सिमटा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि तीसरे दिन रही वेस्टइंडीज की पारी में क्या क्या हुआ है और भारतीय गेंदबाजों ने किस तरह से कहर मचाया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वेस्टइंडीज और टीम इंडिया के बीच एंटीगा के सर विवियन रिचर्डसन स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है। टीम इंडिया की पहली पारी 297 रनों पर सिमट गई है। भारतीय टीम के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही। जी हाँ दोस्तों, वेस्टइंडीज की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही और 36 के स्कोर पर उसे पहला नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर शमी ने कैंपबेल को 23 रनों पर स्कोर पर बोल्ड कर पहली टीम इंडिया को सफलता दिलाई। दोस्तों, इसके बाद 20.3 ओवरों में रविंद्र जडेजा ने विंडीज को तीसरा झटका दिया। जडेजा ने शामार बुक्रस को 11 रनों पर रहाने के हाथों कैच आउट करवा कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने 30वें ओवर की पहली ही गेंद पर डेरन ब्राउ को 18 रनों पर LBW करके आउट कर दिया और वहां पे भारत को चौथी सफलता दिलाई। यहां से दोस्तों रोस्टन चेस के पारी ने संभालने की कोशिश की, लेकिन आप सभी को बता दी कि ईशान शर्मा की गेंद पर वह कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। ईशांत ने उन्हें केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा दिया। दोस्तों, आप सभी को बता दी इसके बाद विंडीज की टीम के धड़ाधड़ विकेट गिरते गए। विंडीज की तरफ से रोस्टन चेस ने 48 रन बनाए, वहीं पे शिमरन हेटमायर ने 35 रन बताए। वहीं पे दोस्तों, आप सभी को बता दी कि शय होप्स ने 24 रन बनाए और कप्तान जेसन होल्डर ने 39 रनों का योगदान दिया। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दी कि यहां पे भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज के टीम को 74.2 ओवरों में 222 रनों पर 10 विकेट के नुकसान पर यहां पे वेस्टइंडीज के टीम को ऑल आउट कर दिया। दोस्तों, आप सभी को बता दी कि इस दूसरे वेस्टइंडीज की पहली पारी में आप सभी को बता कि भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ईशांत शर्मा ने 17 ओवरों में 5 विकेट लिए। वहीं पे दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने 18 ओवर में 1 विकेट लिया। वहीं पे दोस्तों, 17 ओवर में मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिए और रविंद्र जडेजा ने 20.2 ओवरों में 2 विकेट लिए और दोस्तों हनुमा विहारी ने 2 ओवर डाले जो कि उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया। ऐसे में दोस्तों, यहां पे भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 222 रनों पर यहां पे वेस्टइंडीज टीम को ऑल आउट कर दिया। ऐसे में दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों के लिए एक लाइक बनता तो है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से एक लाइक जरूर करें और दोस्तों नीचे जाइए अभी के भी लाल वाले सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाइए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि क्रिकेट की लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।